हेलो ब्रियन। तो गाइज, अपने एफ कैट पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो 22 फरवरी को आपका सेकंड शिफ्ट का एफ कैट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा एज यूजल, जैसे कि आप हमेशा करते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी गाइज, मैं एक्चुअली माइक लगाना ही भूल गया था, मतलब उसमें इंसर्ट करना भूल गया था, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत थी, बट आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ट्रॉफी से आया था, पिछले में पूछा गया था फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी थी, है ना, वो रोवर्स कप था। इसमें पूछा गया था सी के नायडू ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा किससे, क्रिकेट से। ठीक है, मैंने अपने उस वीडियो में बताया है, ट्रिक वाले देख लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो सिंपल पूछा गया था आपका सेवन समर बुक राइटर है ना, तो ये पूछा गया था, तो कौन हो जाएंगे, मुल्क राज आनंद। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था जो टी शब्द है ना, टी टर्म है, ये किस गेम से संबंधित है ना, टर्म संबंधित है किस खेल से, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक, तो गोल्फ आपको टिक करना था इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत आसान क्वेश्चन, रिया ईरान, देखिए ये आपका वो पूछा गया था करेंसी, तो मैं आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ, ईरान तेहरान रियाल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था ईरान की जो वो है करेंसी वो क्या है, तो आपको मैं तीनों चीज़ बता दिया, ईरान ये हो गया कंट्री, कैपिटल और करेंसी। ठीक है, आपसे ये दोनों शायद पूछा था। ठीक, तो किसी भी कैपिटल करेंसी और ये सब याद करना तो एक रीजन में याद किया करिए, तो कभी गलती, ईरान तेहरान नियाल सऊदी अरबिया ऐसे करके, मतलब पूरा जब आप रिदम बना लेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था उगते सूरज का देश, है ना, लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो कैसे लिखते हैं, उगते सूरज की भूमि होगा, है ना, उगते सूरज की भूमि या देश, या अंग्रेजी में इसका एग्जैक्ट शायद कुछ क्वेश्चन था, लैंड ऑफ राइजिंग सन, है ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा भाई, कह सकते हैं उगते सूरज की भूमि कौन सी है। ठीक है, तो किस कंट्री को बोला जाता है, तो ये आपका जापान को, किसको बोला जाता है, जापान को। ठीक है, आई थिंक उगते सूरज का देश भी सही है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत आसान ही क्वेश्चन कहेंगे, एडम स्मिथ किस फील्ड से रिलेटेड है, है ना, एडम स्मिथ रिलेटेड विच फील्ड, तो ये आपका इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, इनका बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स। ओके भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, देखिए काराकास, है ना, काराकास जो है वो राजधानी किसकी, है ना, काराकास राजधानी है किसकी, वेनेजुला, है ना, वेनेजुला की राजधानी आपकी काराकास। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, है ना, मदर ऑफ भारतीय क्रांति की जननी कह सकते हैं, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे बोला जाता है, तो मैडम भीका जी। ठीक है भाई, चलिए किसी भी क्वेश्चन में गाइस कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अशोक के स्तंभ में क्या क्या होता है। ठीक है, अशोक स्तंभ में क्या क्या होता है, तो आपका हॉर्स होता है, और क्या होता है, और एलिफेंट होता है ना, घोड़ा हाथी, और क्या होता है,
हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, और आपका लायन हो गया, क्या हो गया, लायन हो गया, और क्या होता है, ऑक्स होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं, टोटल चार, ओके। ये चीज़ अब ऑप्शन किस हिसाब से दिया था ये तो कंफर्म नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक। हाँ, विच वन इज द नॉट मेंबर ऑफ नाटो, है ना, नाटो का मेंबर नहीं है, नाटो मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपके ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये करेक्ट आंसर मिल गया था मुझे, ठीक है, डायरेक्ट स्टूडेंट द्वारा, तो ऑस्ट्रिया जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ देखो, सूर्य की कह सकते हैं, ऐसा पूछा गया, सूर्य का कौन सा सतह है जो कि विजिबल है, तो सन सरफेस विजिबल है ना, सन सरफेस, सूर्य का कौन सा सरफेस है, सन सरफेस विच इज विजिबल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो यही था। हाँ, तो आपका हो जाएगा क्या, फोटोस्फेयर, ये आपका पूछा गया है किसी न किसी शिफ्ट में आपके एनटीपीसी में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, फोटोस्फेयर जो है वो विजिबल आपका सरफेस होता है सन का, ओके। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्मोनियम का अयक्स पूछा था, एल्मोनियम अयक्स या फिर अल्मोनियम का ओर पूछा था, वो क्या जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, देखिए पूछा गया था महाभारत जो है वो कितने दिन चला था, टोटल महाभारत कितने दिन, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 10 डेज चला था, ठीक है, कितना, नहीं नहीं माफ करिएगा, 18 डेज, कितने डेज, 18, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो होगा 18 या 10, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जहाँ तक 18 ही होगा, है ना, 10 तो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपका गदर पार्टी से आया था, बट वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि गदर पार्टी से शायद संस्थापक था तो हरदयाल, लाला हरदयाल थे, ठीक है, इससे रिलेटेड था। अब क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन, आप पेपर देके पाए हैं, जहाँ तक संस्थापक हो गए तो आपका लाला हरदयाल हो जाएंगे, ठीक है, और या फिर ईयर पूछा था किस ईयर में फॉर्म की गई थी, तो 1913 में, ठीक है, कब फाइव डी की फाउंड की गई थी, 1913 में, ठीक। चलिए अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाँ ये पीटी उषा से एक क्वेश्चन आया था, है ना, पीटी उषा सा, तो ये शायद ये क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ था कि पहली भारतीय महिला जो कि ओलंपिक में पहुंची थी, है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन होगा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन ओलंपिक, ठीक है भाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, पीटी उसका था, आया था क्योंकि डायरेक्ट उसने बताया था, और यही होगा जहाँ तक, और एडम स्मिथ मैंने बता ही दिया, और हाँ एक क्वेश्चन इनसे आया था, कुछ जेबी कृपलानी, वो चेयरमैन कुछ बता रहा था, क्लियर नहीं हो पाया, तो जेबी कृपलानी से कुछ क्वेश्चन था, आप बताइएगा प्लीज कमेंट करके, ठीक है, जेबी कृपलानी से क्या क्वेश्चन था, चेयरमैन थे शायद फर्स्ट किसी चीज के, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, एक ये पूछा गया था, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो ध्यान दीजिएगा, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री, ठीक है, तो आपको कई लोग को मिला है, बट ऑप्शन में आपके दिया होता है वेंकट रमन राम कृष्ण, है ना, वेंकट रमन राम कृष्ण, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, हाँ एक आपका बैटल ऑफ हल्दीघाटी आया था, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, है ना, हल्दीघाटी का युद्ध पूछा गया था, और ये पूछा गया था कब हुआ था, है ना, हाँ यही पूछा गया था, तो ये आपका 1576 में आपका हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है भाई। चलिए और भी देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है, नाटो मैंने बता ही दिया आपको, इंडियन नोबेल प्राइज गदर पार्टी हो गया, ओके, हाँ अगर ये आया था पर कंफर्म नहीं हुआ पंचतंत्र के, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ एक आपका आया था, ऑप्शन में आपके सार्क दिया हुआ था, उसी को आपको करेक्ट करना था, ठीक है, सार्क, तो पूछा था इनमें से किसका संबंध स्पेस से नहीं है, है ना, नॉट रिलेटेड टू स्पेस, ऐसे करके था, नॉट रिलेटेड
स्पेस, तो स्पेस से संबंध नहीं रखता क्या, सार्क है ना, साउथ एशियन, ठीक है, ये तो आपका रीजनल कॉरपोरेशन हो जाएगा, साउथ फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजन ऐसा कुछ करके होता है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टोटल मेंबर कंट्री आपकी 8 है ना सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, और यही क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए, बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ जहाँ मैंने डाउट क्लियर किया है वो अगर आप पेपर देके आए तो कमेंट करके बताना, और कुछ क्वेश्चन और भी थे बट वो कन्फर्म नहीं हो पा रहे थे तो मैंने उसको उनको स्किप कर दिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। और जाते जाते एक बार चैनल के अबाउट सेक्शन में, अबाउट नहीं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी, जैसे रीजनिंग रामबाण वीडियो 11 घंटे की लगातार वीडियो है, पूरी रीजनिंग एक वीडियो में कंप्लीट है, और जीके जीएस ट्रिक मिलेगा उसको भी जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।